Hi students welcome again physical education classes now next topic is fixture seeding and buy number first what is a fixture the success of tournament depends upon suitable fixture fixture is the process of arranging the team in systematic order in various group फॉर फाइट फॉर फिज़िकल एक्टिविटीज़ अब इसका सिंपल से वर्ड हमको समझना है फ़िक्चर है क्या चीज़ फिक्चर एक अरेंजमेंट है जो टीमों को ग्रुप में रखता है एक सिस्टमेटिक वे से रखता है और उसमें टीमें क्या करती हैं एक दूसरे से क्या करती हैं कॉम्पिटिशन्स करती हैं जैसे सपोज मान के चलिए आई मान के चलते हैं आई में लगभग कितनी टीमें होती हैं तो उनको क्या है ग्रुप वाइज क्या कि किया जाता है डिवाइड किया जाता है यानी कि चार चार का ग्रुप बनाया जाता है तो वो क्या कहलाता है एक अरेंजमेंट होता है वो कहलाता है फिक्चर कहलाता है यानी कि किस टीम को किसके साथ खेलना होता है वो सिस्टमेटिक ऑर्डर से लिया जाता है नेक्स्ट है सीडिंग 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 है क्या चीज सिंपल से वर्ड में समझते हैं सीडिंग हम उन टीमों को देते हैं जो स्ट्रॉन्ग टीम होती हैं एग्जाम्पल लेते हैं यदि एक ग्रुप में चार टीमें हैं अगर हम नॉकआउट के बेसिक में उनको खिलाते हैं तो अगर इंडिया और ऑस्ट्रेलिया फर्स्ट ग्रुप में और कनाडा और यूएई दूसरे ग्रुप में होती है अब इसमें क्या बेटा इंडिया ऑस्ट्रेलिया तो स्ट्रांगर टीम है वो फर्स्ट ग्रुप में खेलनी है और नीचे क्या है यू और जो वीक टीम है वो खेल खेलनी है तो उसमें क्या रहता है स्ट्रोंगर टीम आपस में भीड़ के एक तो स्ट्रोंगर टीम क्या हो जाती? जाती है बाहर हो जाती है यानी कि ऑस्ट्रेलिया और इंग्लैंड ने ऑस्ट्रेलिया और इंडिया ने मैच खेला तो उन दोनों में से एक को तो बाहर होना ही होना है तो उसमें क्या करते हैं हम सीडिंग देते हैं यानी कि सीडिंग देते हैं जैसे इंडिया को सीडिंग दे दी और किसको सीडिंग दे दी ऑस्ट्रेलिया को सीडिंग दे दी तो सीधे क्या है नेक्स्ट या थर्ड राउंड में खेलते हैं नेक्स्ट वन है बाय बाय क्या चीज है बाय अगर हम किसी टीम को देते हैं सपोज मान के चलिए बाय हम किसी को किसी टीम को देते हैं तो वो क्या करती है नेक्स्ट राउंड खेलती है फर्स्ट राउंड नहीं खेलती है वो बाय कहलाता है तो आप इन दोनों को इन तीनों चीजों को अपनी फिर नोटबुक में भी कर लीजिएगा फिक्सर सीडिंग एंड बाई फिर से देख लेंगे एक बार आप फिक्सर सीडिंग एंड बाय दीज आर मेन टॉपिक इन प्लानिंग इन स्पोर्ट्स ये मेन चीजें हैं नेक्स्ट है टेबुलर मेथड यानी कि हम इसको हम लीक के नाम से भी जानते हैं लेकिन ये अलग प्रकार से आता है आता है टेबुलर मेथड अब इसका लॉ क्या है लॉ क्या है नंबर ऑफ बॉक्सेस एन प्लस वन नंबर फर्स्ट लॉ क्या है इसका देखिए नंबर ऑफ बॉक्सेस इक्वल एन प्लस टू नंबर ऑफ राउंड एन माइनस वन यहां को एन क्या है नंबर ऑफ टीम है अब हम इसको एग्जांपल के अकॉर्डिंग समझेंगे मेक अ टेबुलर फिक्सर ऑफ ए टीम यानी कि ए टीम का टेबुलर फिक्चर बनाना है तो फॉर्मूला यूज क्या करेंगे एन क्या है नंबर ऑफ टीम्स मैंने लिख दिया है आपको कंफ्यूजन क्रिएट ना हो एन कितना, है? एट, है. कितना है? एट, है. कितने हो एट प्लस वन कितना हो गया एट प्लस वन यानी कि नाइन बॉक्सेस बनेंगे नंबर ऑफ राउंड यानी कि कितने होंगे नंबर ऑफ राउंड एट माइनस वन इक्वल टू सेवन यानी कि सेवन बॉक्सेस बनेंगे अब हम इसी में चलते हैं हमने कैसे बनाने हैं बॉक्सेस काउंट करेंगे वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन फिर वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन हमने क्या बॉक्सेस बना दिए इस प्रकार से भी नाइन होनी चाहिए और इस प्रकार से भी नाइन होने चाहिए ये क्या है टेबुलर मेथड है अब हम टेबलर मेथड को कैसे आगे को बढ़ा सकते हैं कैसे बनाते हैं टेबलर मेथड को देखेंगे फिर देख लेंगे एक बार फॉर्मूला टेबलर में मेथड को नंबर फर्स्ट है नंबर ऑफ बॉक्सेस एन प्लस वन नंबर ऑफ राउंड एन माइनस वन एग्जाम्पल एग्जाम्पल देख कर मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूं मेक अ टेबुलर फिक्सर ऑफ एट टीम्स एन क्या है नंबर ऑफ टीम्स है एन क्या है ए टीम है यानी कि नंबर ऑफ बॉक्स एट प्लस वन इक्वल टू नाइन नंबर ऑफ राउंड्स क्या है एट माइनस वन माइनस सेवन यानी कि सेवन राउंड होंगे फिर हमने क्या बनाया है बॉक्स बनाया है बॉक्स में मैंने बताया आपको नाइन बॉक्सेस बनाने वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन वैसे ही वन टू थ्री फोर फाइव सिक्स सेवन एट नाइन यानी कि टोटल नाइन नाइन बॉक्स बनाने हैं अब हम इसमें टीमों को ले आउट करेंगे